मुंडा पांडे विधानसभा क्षेत्र 29 में युवा समाजवादी पार्टी में तेजी से जुड़ रहे हैं। उनका कहना है कि 2022 में सपा सरकार बहुमत से बनने जा रही है। अजमेराबाद जिला अध्यक्ष टीपी यादव के आदेश अनुसार ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद रिजवान मंसूरी द्वारा 4 युवाओं को पदाधिकारी बनाया गया। रिजवान मंसूरी ने दरपतपुर में सभा को संबोधित करने के बाद साकिब अली को ब्लॉक उपाध्यक्ष, शकील मलिक को ब्लॉक सचिव, मोहम्मद आलम को ब्लॉक उपाध्यक्ष, इमरान चौधरी को ब्लॉक सचिव मनोनीत किया। ब्लॉक अध्यक्ष रिजवान मंसूरी ने सभा में बोलते हुए कहा कि अब जनता भाजपा सरकार से तंग आ चुकी है। भाजपा सरकार ने खाने की सामग्री और तेल के दामों को आसमान पर पहुंचा दिया है, जिसे दबे कुचले गरीब सहन नहीं कर पा रहे। इसीलिए जनता अब भाजपा सरकार को 2022 के चुनाव में वोट ना देकर भाजपा को हरा कर सपा को जिताने का काम करेगी। सभा में मोहम्मद रफी नेता, पूर्व प्रधान मोहम्मद खलील, मोहम्मद आकिल, जिला उपाध्यक्ष आदि मौजूद रहे। कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास का मुद्दा नहीं है। किसान परेशान है, आम पब्लिक परेशान है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। जबकि जो हमारे भारत से पेट्रोल डीजल दूसरे देशों को बिक्री होता है, वहाँ पर 2 गुना सस्ता डीजल पेट्रोल बिक रहा है और हमारे देश में इतना महंगा डीजल पेट्रोल है। महंगाई से लोग तंग आकर समाजवादी ही एकमात्र विकल्प है जनता के पास। यूपी की जनता अपने वोट के जरिए से बीजेपी वालों को जवाब देगी और जनता सब जागरूक हो चुकी है। अब जो है इस सरकार को उखाड़ना ही जनता की मजबूरी है, क्योंकि जनता को जो सुख सुविधाएँ समाजवादी सरकार ने दी थी, पेंशन वगैरह और भी अन्य सुविधाएं दी थी, उस सरकार में, भाजपा सरकार में नहीं मिल पाई। जो भी वादे बीजेपी वालों ने किए थे वो सब टूटे हैं। अब बीजेपी वालों को तो लोग गांव में घुसने तक नहीं दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी से लोगों का जो है ध्यान है और उसे ही वोट कर। मैंने अपनी कमेटी में अपने मुंडा पांडे ब्लॉक के ब्लॉक उपाध्यक्ष मनोनीत किए हैं और ब्लॉक सचिव मनोनीत किए। अपनी जो मुझे निर्देश दिया गया था पार्टी हाईकमान से 15 दिन के अंदर अंदर अपनी कमेटी घोषित करनी है, उसी क्रम में मैं लगा हुआ हूँ और लोगों को जा कर के जागरूक कर रहा हूँ और अपनी कमेटी बना रहा हूँ। अच्छा, कितना है? मैंने आज अपने 2 ब्लॉक उपाध्यक्ष और 2 सचिव बनाए। 2022 में इंशाल्लाह हमारी सरकार बन रही है और इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत मुतमईन है हम, क्योंकि बहुत अच्छी लहर आपके पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की चल रही है और अखिलेश जी इंशाल्लाह 2022 के मुख्यमंत्री होंगे।